दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर यहाँ पर एमसी स्टेन ने एक काफी बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं शिव ठाकरे भी काफी हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों, एमसी स्टेन ने अपने लाइफ का पहला ये रियलिटी शो बिग बॉस ही किया है, और बिग बॉस में एंटर होने से पहले उनके जो मैनेजर है उन्होंने एमसी स्टेन को एक काफ़ी बड़ी बात कही थी। एंट्री से पहले स्टेन के मैनेजर ने उनको समझा कर भेजा था कि स्टेन, तू घर के अंदर जब जाए तो जैसा तू रियल लाइफ में है वैसा ही वहाँ पर रहना। ये सुनकर स्टेन को काफ़ी झटका लगा, और स्टेन ने उनको पूछा, यानी कि अपने मैनेजर से पूछा कि क्यों घर के अंदर जाने के बाद इंसान बदल जाता है क्या। इस पर स्टेन को उनके मैनेजर ने समझाया कि वहाँ जाने के बाद माहौल अलग हो जाता है, इसलिए आप जैसे हैं वैसे नेचुरल बने रहना, जैसे आप बाहर रहते हो वैसे ही अंदर रहना, कोई भी फालतू की चीज़ कैमरे के लिए मत करना, एक्टिंग वगैरह कुछ मत करना। ये सुनकर दोस्तों स्टेन काफ़ी घबरा गए थे, और स्टेन का तो मन आने का भी नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टेन ने सोचा कि उनको तो एक्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर वो घर के अंदर कैसे टिक पाएंगे। और स्टेन ने ये सोच कर आए थे कि वो 2-3 हफ्तों के लिए चले जाएंगे, और फिर जनता अगर पसंद नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, वो फिर से वापस बाहर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, स्टेन को ये सारी बातें घर के अंदर आने के बाद में समझ में आई कि यहाँ पर किस तरीके से लोग फालतू की फेक एक्टिंग करते हैं। दरअसल जैसे ही शालिन टीना को यहाँ पर एमसी स्टेन ने देखा, उनको परखा, तो फिर स्टेन को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि आखिर उनके मैनेजर घर में एंट्री लेने से पहले उनको क्या चीज़ समझाना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कैमरे के लिए लोग कितना फेक हो सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, ये सारी बातें स्टेन को यहीं घर के अंदर आने के बाद समझ में आई। फिलहाल दोस्तों, आपको स्टेन की ये बातें कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप भी एमसी स्टेन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।